वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, यानी कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? स्प्लीन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, और आज अपने को क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन के फंक्शन क्या क्या हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किन चीजों पे डिस्कस किया था? फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, जो अपने लिम्फ नोड है उनके फंक्शन क्या होते हैं, और अपनी जो स्प्लीन है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। स्प्लीन की स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ऑर्गन एसोसिएटेड ऑफ द स्प्लीन, इनके बारे में अपन ने क्या है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार प्रीवियस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। तो क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस, पोलिफिरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? दो फंक्शन है किसके? लिम्फ नोड के, यानी कि फिल्ट्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस और पोलिफिरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये क्या है? इसके फंक्शन है। तो सबसे पहले अपना क्या है? फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस। फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय द रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यू एज इट पास थ्रू लिम्फ नोड। लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय रेटिकुलर एंड लिम्फोसाइट टिश्यू। लिम्फ है वो किसके द्वारा फिल्टर होती है? रेटिकुलर लिम्फोइड टिश्यू से क्या है ये फिल्टर होती है, एंड इट पास थ्रू लिम्फ नोड। कहाँ पे पास होती है? किसके द्वारा पास होती है? थ्रू लिम्फ नोड। पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड माइक्रोब्स, डेड एंड लाइव फेगोसाइट्स कंटेनिंग इंगेस्ट माइक्रोब्स, सेल फ्रॉम मैग्नेट ट्यूमर, वॉर्न आउट एंड डैमेज टिश्यू से, एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स। इंक्लूड क्या क्या होता है इसके अंदर? माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स, ठीक है, लाइव फेगोसाइट्स, माइक्रोब्स, मैग्नेट ट्यूमर, ये सारी सारी क्या है इनमें इंक्लूड होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉय इन लिम्फ नोड बाई मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज। जो ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है, वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होता है इन लिम्फ नोड में? बाई मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज के द्वारा क्या है ये जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सम इन ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। क्या है? कुछ जो अपने इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। These remain inside the macrophages, either causing no damage or no or killing the cell. वो कहाँ पे रिमेन रह जाते हैं? इनसाइड द मैक्रोफेजेस के पास क्या है? वो रिमेनिंग रह जाते हैं। मेटेरियल नॉट फिल्टर्ड ऑफ एंड डेल्ट विद द वन लिम्फ नोड पास ऑन सक्सेसिव नोड बाय द टाइम लिम्फ एंटर द ब्लड इट हैज यूजुअली बीन क्लियर्ड ऑफ फॉरेजन मेटेरियल एंड सेल डैमेज। इन सम केस वेयर फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स इज इनकम्प्लीट, दे मे बी स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एंड इनलार्ज ऑफ द नोड। और इसको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फेनोपैथी अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है प्रोलिफिक पॉलिफिरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का प्रोलिफिरेशन क्या होता है? एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड। जो अपने एक्टिवेटेड टी और बी लिम्फोसाइट है वो क्या है? मल्टीप्लाई होती है किस पे? लिम्फ नोड पे। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय सेंस बाय बी लिम्फोसाइट इंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड। नेक्स्ट अपना आता है स्प्लीन। जो स्प्लीन है, द स्प्लीन इज फॉर्म बाय रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। जो
स्प्लीन है वो किससे बनती है, रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा, लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा क्या है, अपनी स्प्लीन बनती है। और ये क्या होती है, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है, किसका, अपनी लिम्फेटिक सिस्टम का। द स्प्लीन लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो स्प्लीन है वो अपनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है, लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी, कहाँ पे, अपना जो अब्डोमिनल कैविटी है वहां पे, बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम, किसके बीच में, बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो फंडस है और जो अपने डायफ्राम उसके बीच में क्या है ये सिचुएटेड रहती है। इट पर्पलिश इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का क्या इसका कलर होता है, एंड वेरियस इन साइज, और इसकी साइज जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसमें, इंडिविजुअल्स यानी पर्टिकुलर की साइज जो है वो क्या है, डिफरेंट होती है। बट इट यूजुअली अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 7 सेंटीमीटर वाइड होती है और 2.5 सेंटीमीटर की क्या है इसकी थिकनेस होती है, और वेट इसका कितना होता है, 200 ग्राम क्या इसका वेट होता है। तो स्प्लीन की अगर अपन बात करें तो स्प्लीन किससे बनता है, स्प्लीन इज फॉर्म बाय रेटिकुलर एंड लिम्फोसाइट टिश्यू, जो अपना स्प्लीन है वो किससे बनता है, रेटिकुलर और जो अपने लिम्फेटिक टिश्यू है उनके द्वारा क्या है ये बनता है, और ये अपना जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन अपनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट अपन बात करें कहाँ पे लाइज होती है, लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये जो अपने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां पे क्या है, अपनी अब्डोमिनल कैविटी का जो फंडस है वहां पे क्या है, अब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक, जो अपना फंडस है उसके बीच में क्या है ये प्रेजेंट होती है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का इसका पर्पलिश कलर होता है। साइज क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एज में क्या है ये सबकी अलग अलग होती है, और इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 7 सेंटीमीटर वाइड होती है और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, और इसका जो वेट है वो कितना होता है, अबाउट 200 ग्राम क्या इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्या है, अपनी ह्यूमन की स्प्लीन दिखाई गई है इस डायग्राम में, क्या है ये रिनल सरफेस है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये पैनक्रेटिक सरफेस दिखाई गई है, ये स्प्लेनिक हीलियम दिखाया गया है, और ये इसके अंदर गैस्ट्रिक सरफेस दिखाई गई है। तो इस डायग्राम के अंदर अपने क्या है, आर्टरी, वेन, रिनल सरफेस, स्प्लेनिक हीलियम, गैस्ट्रिक सरफेस और पैनक्रेटिक सरफेस इस डायग्राम के अंदर शो की गई है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्प्लीन, अपनी जो स्प्लीन है उसके साथ में कौन से ऑर्गन है वो एसोसिएटेड रहते हैं। तो सुपीरियरली और पोस्टीरियरली की बात करें तो कौन सा ऑर्गन होता है अपना, डायफ्राम, यानी कि जो अपनी स्प्लीन है उसके सुपीरियरली और पोस्टीरियरली भाग में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड होता है, अपना जो डायफ्राम है वो क्या है सिचुएटेड रहता है। इंफीरियरली की बात करें तो लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंटीरियरली की बात करें तो स्टमक ऑफ द फंडस ऑफ द स्टमक, जो अपने स्टमक का जो फंडस है वो क्या है इसके एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होता है। मीडियली की बात करें तो मीडियली में पैनक्रियाज ऑफ द एंड द लेफ्ट किडनी, जो पैनक्रियाज और अपनी जो लेफ्ट किडनी है वो क्या है इसके मीडियल भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। लेटरली की बात करें तो लेटरली में सेपरेटेड फ्रॉम द 9th, 10th and 11th रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम, ये क्या है इसके लेटरली में प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियरली में क्या है, डायफ्राम है। इंफीरियरली में जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फ्लेक्जर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली में जो अपने स्टमक है उसका फंडस है। मीडियली में पैनक्रियाज है और लेफ्ट किडनी है। लेटरली में सेपरेटेड होती है किसके द्वारा, 9th, 10th and 11th रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम, इसके द्वारा क्या है ये लेटरली में एसोसिएटेड रहते हैं इसके ऑर्गन, किसके, स्प्लीन के।
नेक्स्ट क्या है अपनी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है सेक्शन है, ये स्प्लीन को क्या है सेक्शन कटा गया है, सेक्शन में अपने को फाइब्रस लेयर दिखाई गई है, रिनल सरफेस दिखाई गई है, स्प्लेनिक वेन दिखाई गई है, हीलियम दिखाया गया है, स्प्लेनिक आर्टरी दिखाई गई है, गैस्ट्रिक सरफेस दिखाया गया है, और ये सारी सारी चीजें क्या अपने को सेक्शन के अंदर दिखाई गई है। तो अगर आप स्प्लीन का सेक्शन काटोगे ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये चीजें इस टाइप से शो होंगी। द स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप विद द हीलियम ऑन द लोअर मिडिल बॉर्डर, जो स्प्लीन है वो क्या होते हैं स्लाइटली ओवल शेप की होती है विद द हीलियम ऑन द लोअर मिडिल बॉर्डर। द एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम, जो इसकी एंटीरियर सरफेस है वो किसके द्वारा कवर होती है पेरिटोनियम के द्वारा कवर होती है। इट इज एनक्लोज इन ए फाइब्रोब्लास्टिक कैप्सूल दैट डीप इन टू द ऑर्गन फॉर्मिक टेब्रिक्यूल। द सेलुलर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इज कॉल्ड स्प्लेनिक पल्प, जो सेलुलर मटेरियल है वो किससे बनता है लिम्फोसाइट और जो अपनी मैक्रोफेजेस है उससे बनता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं स्प्लेनिक पंप बोलते हैं। रेड पल्प इज द पार्ट सफ्यूज्ड विद ब्लड एंड वाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू वेयर देयर इज स्लीव ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस अराउंड ब्लड वेसल्स। द स्ट्रक्चर एंटरिंग इन लिविंग द स्प्लीन एट द हीलियम, स्प्लेनिक आर्टरी यानी कि हीलियम पे कौन सी चीजें इंटर होती हैं, स्प्लेनिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है सीलिएक आर्टरी की ब्रांच है, स्प्लेनिक वेन वेन किसकी ब्रांच है पोर्टल वेन की ब्रांच है, लिम्फ वेसल्स कौन सी आती है ओनली एफरेंट आती है, नर्व आती है, ब्लड पास होता है थ्रू द स्प्लीन फ्लो इन द साइनस विच हैव डिस्टेंस पोर पोर बिटवीन द एंडोथेलियल सेल अलाउिंग इट टू कम इन टू क्लोज एसोसिएशन विद स्प्लेनिक पल्प। नेक्स्ट पॉइंट अपना है आज का फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस, स्टोरेज ऑफ ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स और इरिथ्रोपोइसिस, ये क्या है फंक्शन है किसके अपने स्प्लीन के। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है ओल्ड एंड अबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, जो पुरानी और अबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स है वो क्या है डिस्ट्रॉय हो जाती है किसके अंदर स्प्लीन के अंदर। एंड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलिरुबिन एंड आयरन आर पास टू द लिवर बाय द स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन, और जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बिलिरुबिन और आयरन जो है वो क्या है पास होते हैं किसमें लीवर के थ्रू, कहाँ पे स्प्लीन लीवर में किसके थ्रू स्प्लेनिक वेन एंड पोर्टल वेन के थ्रू क्या है वो पास हो जाते हैं। अदर सेलुलर मटेरियल लाइक ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स एंड माइक्रोब्स आर फेगोसाइट्स इन द स्प्लीन, अनलाइक लिम्फ नोड द स्प्लीन हैज नो अपरेंट लिम्फोसाइट्स एंटरिंग इट, इट सो नो एक्सपोज टू डिजीज स्प्रेड बाय लिम्फ। नेक्स्ट अपना है स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या है स्टोर होता है। द स्प्लीन कंटेन अप टू 350 ml ऑफ ब्लड एंड रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन बी रैपिडली रिटर्न ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम टू सर्कुलेशन, लाइक
हेमरेज जो स्प्लीन है उसके अंदर क्या है 350 ml ब्लड क्या है वो स्टोर होता है और कब रिस्पॉन्स करता है सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन में वो क्या है रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्या है अपना इम्यून रिस्पॉन्स। द स्प्लीन कंटेन टी एंड बी लिम्फोसाइट्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन लाइक इन इंफेक्शन। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है जो अपनी WBC है वो क्या है वर्क करती है किसके अगेंस्ट इंफेक्शन के अगेंस्ट। कोई भी अगर अपनी बॉडी के अंदर बाहर कोई भी माइक्रोब्स आता है तो वहां पे अपनी रिएक्शन करने के लिए जो अपनी WBC है वो क्या करती है उसके साथ रिएक्शंस करती हैं। लिम्फोसाइट प्रोलिफिकेशन ड्यूरिंग सीरियस इंफेक्शन कैन बी कॉज इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन स्प्लीनोमेगली जिसको अपन बोलते हैं। कोई भी अगर सीरियस इंफेक्शन हो जाता है अपने बॉडी के अंदर तो क्या है उस टाइम पे स्प्लीन क्या है इनलार्ज हो जाती है और स्प्लीन अगर इनलार्ज हो जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है एरिथ्रोपोइसिस। द स्प्लीन एंड लिवर आर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फिटल ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड द स्प्लीन कैन आल्सो फुलफिल दिस फंक्शन इन एडल्ट इन टाइम ऑफ ग्रेट नीड। द स्प्लीन एंड लिवर आर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फिटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो स्प्लीन और लिवर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट साइट होती है ब्लड ब्लड के ब्लड सेल प्रोडक्शन की और स्प्लीन क्या है इसको फुलफिल करती है इसके फंक्शन को जब अपने को ज्यादा नीड होती है। नेक्स्ट है अपनी थैमस ग्लैंड। जो अपना थर्ड जो था सबसे पहले लिम्फ नोड हो गया देन आफ्टर अपनी क्या होगी स्प्लीन होगी और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या अपनी थैमस ग्लैंड है। तो थैमस ग्लैंड क्या है द थैमस ग्लैंड इज लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल स्टर्नम बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ द नेक। जो अपनी थैमस ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएट होती है लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल स्टर्नम और पीछे बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ द नेक। इट इज वेट अबाउट 10 to 15 gram एट बर्थ एंड ग्रोस अंटिल द इंडिविजुअल रीचेज प्यूबर्टी व्हेन इट बिगिन टू एट्रोपी। वेट है वो कितना होता है 10 to 15 gram होता है कब बर्थ के टाइम पर। इट्स मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी इट बिटवीन 30 and 40 gram एट मिडिल एज इट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेटली इट वेट एट बर्थ। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है इसका जो हाइएस्ट जो वेट है वो कितना हो जाता है 30 से 40 ग्राम हो जाता है और जो मिडिल एज है उसके दौरान क्या है वापस इसका वेट जो है वो कितना हो जाता है जितना अपना बर्थ के टाइम पर था उतना ही क्या इसका वेट हो जाता है।
ये क्या है, अपनी थैमस ग्लैंड है। ये इसकी पोजीशन होती है, ये इसके अंदर राइट और लेफ्ट लोब है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द थाइमस। थाइमस के साथ अपने कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। एंटीरियरली में अपना स्टर्नम एंड द अपर फोर कोस्टल कार्टिलेज हैं, वो क्या प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली में एर्टिक आर्च एंड द ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियोसिफेलिक वेन और ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। लेटरली में क्या है, लंग्स प्रेजेंट होता है। सुपीरियरली में स्ट्रक्चर इन द रूट ऑफ द नेक प्रेजेंट होती है। और इंफीरियरली में क्या है, इसके हेड प्रेजेंट होता है। तो लास्ट डायग्राम में अपन ने देखा था एंटीरियरली में क्या है, स्टर्नम और अपर फोर कोस्टल कार्टिलेज है। पोस्टीरियरली में एर्टिक आर्च एंड ब्रांचेज है, इसकी ब्रेकियोसिफेलिक वेन और ट्रेकिया। लेटरली में लंग्स है। सुपीरियरली में स्ट्रक्चर ऑफ द रूट ऑफ द नेक है। और इंफीरियरली में क्या है, इसके हेड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमस। जो थाइमस है वो कंसिस्ट ऑफ टू लोब जॉइन बाई एरुलर टिश्यू। जो अपने थाइमस है उसके अंदर कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। द लोब्स आर एनक्लोज्ड बाई ए फाइब्रस कैप्सूल। जो लोब्स हैं वो किसके द्वारा एनक्लोज होते हैं, बाई ए फाइब्रस कैप्सूल विच डीप इन टू देयर सबस्टांस डिवाइडिंग देम इन टू लोब्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर ब्रांचिंग फेरोम ऑफ द एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोसाइट। जो लोब्स हैं वो किसके द्वारा एनक्लोज होते हैं, बाय ये फाइब्रस कैप्सूल विच डीप इनटू देयर सबस्टांस डिवाइडिंग देम इनटू लोबुल्स दैट कंसिस्ट ऑफ, किससे बनते हैं, कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर ब्रांचिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोसाइट। जो अपने लिम्फोसाइट्स और जो एपिथेलियल इनकी जो इरेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क है उसके द्वारा क्या है, ये बनते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फंक्शन। फंक्शन क्या क्या है किसके, थाइमस के। लिम्फोसाइटिक ओरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरोपोटेंट स्टीम सेल इन रेड बोन मैरो। जो अपनी जो लिम्फोसाइट्स हैं
वो क्या जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो अपनी ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरी प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स जो है वहां से क्या है ये ओरिजिनेट होती हैं। दोज दैट इंटर द थाइमस डेवलप इंटू द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे क्या इंटर होने के बाद क्या थाइमस डेवलप होता है और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स जनरेट होती हैं। थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोड्यूस मेच्योर टी लिम्फोसाइट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश सेल्फ टिश्यू फ्रॉम फॉरिजन टिश्यू एंड ऑल्सो प्रोवाइड ईच टी लिम्फोसाइट विद द एबिलिटी टू रीच टू ओनली वन स्पेसिफिक एंटीजन फ्रॉम द मिलियंस इट विल एनकाउंटर। थैंक्स टू ऑल। ये जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम था ये अपना यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अपना है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में क्या है अपन नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो भी अपने नोट्स हैं वो सभी अपने प्रिपेयर कर लें। जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस समाप्त होने के बाद आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम पे आपके जो नोट्स हैं वो सभी के चेक किए जाएंगे। सभी जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर पर रेगुलर स्टडी में रहें, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से होगी जो आपका शेड्यूल प्रिपेयर है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी लेट नहीं होगी। थैंक्स टू ऑल।